यदि आपको अपनी फोटो बिल्कुल चमकदार लेनी है और ऐसी लेनी है कि भैया आपको सलून ना जाना पड़े, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन अभी आया है Realme का U1, वो भी 12,000 रुपए में। बड़ी अच्छी इमेज आ जाती है और आपको भैया पाउडर और कुछ लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आपको AI के थ्रू पाउडर वाउडर लगा दिया जाता है। लेकिन मेरे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए कि भैया ये फोन में ये मिलता है कि नहीं मिलता, तो मुझे लगा कि यार आपको बताना चाहिए कि भैया इस फोन में आपको क्या कुछ मिलता है और क्या कुछ नहीं मिलता। आपके सारे के सारे क्वेश्चन है और आपके दिमाग में जितने भी डाउट है Realme के U1 को लेकर, आज यार सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और यदि तब भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते तो यार नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जो पहला क्वेश्चन है, क्या Realme U1 में नोटिफिकेशन लाइट मिलती है कि नहीं मिलती? वैसे मैं आपको ये बता दूं, यदि आप Realme का 2 Pro लेते हैं तो वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती, तो भैया आपको Realme के जो U1 है ना, वहां पर भी कोई भी नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती आगे की तरफ। चलिए भैया, मुझे लग रहा है कि यार आज की डेट में नोटिफिकेशन लाइट होनी चाहिए, क्योंकि यार जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है ना, आपको बार बार अपना फोन को ओपन करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि भैया नोटिफिकेशन कौन सा आया। अगला क्वेश्चन है, यहां पर क्या फेस अनलॉक पोको फोन जैसा है कि नहीं है, जो अंधेरे पे अनलॉक हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पोको फोन में आपको IR फेस अनलॉक मिलता है और भैया यहां पर आपको नॉर्मल वाला फेस अनलॉक मिलता है। लेकिन इसका जो फेस अनलॉक है ना, फास्ट है, फिंगरप्रिंट भी फास्ट है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल घंघोर अंधेरे में आपका फोन अनलॉक हो जाएगा, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूं इसका फेस अनलॉक अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, इस फोन में फास्ट चार्जिंग क्यों नहीं दी गई? भैया ये क्वेश्चन तो भैया Realme वालों से मैं भी पूछ रहा हूं कि भैया इस फोन में आपको फास्ट चार्जिंग क्यों नहीं दी गई। मुझे लग रहा है कि कॉस्ट कटिंग करना था तो भैया आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिली, लेकिन यार फास्ट चार्जिंग यदि इसमें आ जाए ना, तो यार मजा आ जाएगी, क्योंकि यहां जो प्रोसेसर है वो भैया फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो भैया Realme वालों, थोड़ी सी कस्टमर की डिमांड है कि भैया फास्ट चार्जिंग लेके आ जाओ ना जल्दी से, तो भाई बहुत मजा आएगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार Realme का जो अगला डिवाइस आएगा, चाहे वो 3 आए चाहे वो 3 Pro आए, वहां पर आपको वूक चार्जिंग का सिस्टम मिल सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे लीक आ रहे हैं कि भैया इनका जो अगला डिवाइस होगा ना, वो काफी जबरदस्त होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, Realme 2 Pro में EIS दे दिया गया है, इस फोन में क्यों नहीं दिया गया? ये भी क्वेश्चन बड़ा धांसू है। जी हाँ, आपको इस फोन में EIS नहीं मिलता है, और क्यों नहीं दिया गया इसके पीछे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉस्ट कटिंग है, और क्या पता आगे आने वाले टाइम में जब यहां पर सॉफ्टवेयर में अपडेट आए ना, तो भैया आपको EIS मिल जाए। लेकिन अभी के लिए आपको Realme के U1 में EIS नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन है, क्या इस फोन में आपको स्लो मोशन और टाइम लैप्स मिलता है? जी हाँ, मेरे पास तो डिवाइस है और ये दोनों ऑप्शन आपको इस फोन में मिल जाते हैं। लेकिन अभी तक स्लो मोशन का जो ऑप्शन है ना, वो Realme के 2 Pro में नहीं आया। लेकिन जब ये फोन लॉन्च हुआ था, Realme का U1, कहा गया था कि भैया आपको स्लो मोशन का ऑप्शन जल्दी से आपको मिल जाएगा Realme के 2 Pro में। तो भैया जिनके पास Realme का 2 Pro है, उनको भी स्लो मोशन का ऑप्शन बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, तो भैया और भी मजा आ जाएगी। अब कब मिलता है ये भी मैं आपको बता देता हूं, विद इन अ 1 month आपको स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा आपके Realme के 2 Pro डिवाइस पे। अगला क्वेश्चन है, क्या इस फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन मिलती है कि नहीं मिलती? आपको मतलब Realme की डिवाइस में। वैसे हाँ भाई, Realme के U1 में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, और यदि आप लेते हैं Realme का 2 Pro तो भैया वहां पर भी आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन यार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा, चाहे जितनी भी प्रोटेक्शन हो, लेकिन यार टेम्पर्ड ग्लास जरूर लगवा लीजिएगा। यदि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, 100, 150, 200 का आता है टेम्पर्ड ग्लास, ऑनलाइन आप ले लीजिएगा, और यदि आप ऑफलाइन जा सके तो भैया आसपास के स्टोर में भी आपको टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है। तो भैया गोरिल्ला ग्लास के चक्कर में मत रहना, टेम्पर्ड ग्लास लगवा लो, क्योंकि फोन में जो सबसे महंगी चीज होती है वो होती है डिस्प्ले, और एक बार यदि आपकी डिस्प्ले टूट गई ना, तो भैया आपका बड़ा ज्यादा नुकसान होगा। और मैं नहीं चाहता कि भैया जो भी इस वीडियो को देख रहा हो उनका कभी नुकसान हो जाए। और यार एक नुकसान और हो सकता है, यहां पर कहीं पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा और एक आपको घंटे का बटन होगा, भैया इसको यदि दबा दोगे ना, तो आप बहुत सारे नुकसान से बच जाओगे। लगता है मैंने अच्छा कह दिया ना। चलिए आप बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भैया क्या इसमें जो इमेज क्वालिटी है वो सही हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी इमेज आर्टिफिशियल क्यों लगती है और यहां पर एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा लगता है?
यार मुझे ऐसा लग रहा है, ये आपने सही कहा है, क्योंकि एक्सपोजर की तो कमी है। और मेरे हिसाब से जो अगला अपडेट आएगा ना Realme के U1 डिवाइस में, जो इनका OS का अपडेट आएगा, क्या पता उसके बाद इसका कैमरा और भी इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि भैया ये तो मैंने देखा है, जब इनका फोन आता है ना, कोई भी कंपनी का डिवाइस आता है, तो जो थोड़ी मोड़ी कमियां होती है ना, वो टाइम टू टाइम अपडेट हो जाती है। और मेरे हिसाब से Realme का जो अभी U1 है ना, यहाँ पर कैमरे को लेकर जो भी कमियां हैं वो Realme वाले पक्का सही करेंगे। क्योंकि भैया Realme को पता है, उन्होंने कम टाइम में अच्छी खासी मार्केट पकड़ ली है, लेकिन भैया कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और यदि कंपटीशन में टिके रहना है तो कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहिए। वैसे उन्होंने अच्छा काम ये किया है कि भैया सस्ते रेट में आपको अच्छा डिवाइस दे दिया है, और कहीं ना कहीं Xiaomi को भी अच्छी खासी टक्कर दे रहा है Realme। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, Xiaomi, Realme और Asus के बारे में, क्योंकि ये तीनों कंपनियां आजकल बहुत अच्छा काम कर रही है। अगला क्वेश्चन है, जो इसमें OS है, क्या वो MIUI से अच्छा है या नहीं है? वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि जो Xiaomi का MIUI है ना, वो यार ColorOS से ज़्यादा अच्छा है। पता नहीं सॉफ्टवेयर के मामले में वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जो इसका OS है ना, वो सही हो रहा है। और मेरे हिसाब से यदि कोई नया OS आ गया ना भैया Realme की डिवाइस में, तब मजा आ जाएगी, क्योंकि अभी तक इस OS में थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है। देखते हैं, अपडेट पे अपडेट आते हैं और धीरे धीरे करके चीजें सही हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, Zenfone Max Pro M2 क्या Realme U1 या Realme 2 Pro से अच्छा है या नहीं है? जैसे मैं आपको ये बता दूं, जो Zenfone Max Pro M2 है ना, वो बहुत अच्छा डिवाइस है, लेकिन हर एक चीज डिपेंड करती है प्राइस में। यदि प्राइस ज्यादा हुआ तो भैया सोचना पड़ेगा, और यदि प्राइस सही हुआ 15-16 हजार के आसपास, तो कहीं ना कहीं Realme और Xiaomi को कड़ी टक्कर देने वाला है Zenfone का जो M2 है, Max Pro M2 है, क्योंकि वहां पर आपको बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। लेकिन देखते हैं कि भैया Asus अब क्या गेम खेलता है। अगला क्वेश्चन है, क्या इस फोन में हमें 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता? 100% यहां पर आपको 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलता है। आप यहां पर दो 4G वाले सिम डाल सकते हैं, चाहे वोडाफोन के डाल लीजिए, चाहे जियो के डाल लीजिए, चाहे एयरटेल के डाल लीजिए, जिसका भी आपका मन करता है उसके डाल लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन नहीं है भाई, क्या मैं बोलूं, डोंट बाय Realme U1, क्योंकि यहां पर आपको प्लास्टिक की बिल्ड मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, और MediaTek का प्रोसेसर यहां पर मिलता है। भाई एक चीज तो बिल्कुल सही है, यहां पर आपको प्लास्टिक की बिल्ड मिल जाती है, लेकिन यहां पर जो प्लास्टिक है ना, वो आपको इतनी चीप नहीं लगती है कि जैसा आप सोच रहे हैं। यहां पर आपको ग्लास का फिनिश दे दिया गया है। फास्ट चार्जिंग अभी के लिए इस फोन में नहीं है, और क्या पता आगे आने वाले टाइम में यहां पर आपको फास्ट चार्जिंग दे दी जाए, और क्या पता अब जो अगला डिवाइस आएगा वहां पर आपको फास्ट चार्जिंग दे दी जाए। लेकिन जो ये बात है ना MediaTek के प्रोसेसर की, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि इस फोन में आपको बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस मिलती है, कहीं भी आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा, आराम से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, हैवी गेम खेल सकते हैं, क्योंकि आजकल सबको पता है कि भैया उनको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, और हर एक कंपनी को ये भी पता है कि आजकल यार कस्टमर जो है ना वो समझदार हो गया है। तो भैया मेरे हिसाब से MediaTek का प्रोसेसर इस फोन में जो दिया गया है ना, वो परफेक्ट है। वैसे मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आज की डेट में स्नैपड्रैगन को कोई कंपनी टक्कर दे रही है प्रोसेसर में, वो है MediaTek। अब देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में और क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोकिया 8.1 की बिल्ड क्वालिटी Realme U1 से अच्छी होगी, पक्की बात है? भाई मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नोकिया 8.1 की जो बिल्ड क्वालिटी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन भैया जो इन्होंने अभी काम किया था प्राइस वाला, यदि उन्होंने फिर से वही काम कर दिया तो भैया गलत हो जाएगा। यदि नोकिया के 8.1 का प्राइस सही आया तब तो अच्छा है, और यदि 20,000 के पार हो गया तब तो भैया सोचना ही पड़ेगा। देखते हैं नोकिया क्या करता है। क्या ये फोन 2-3 साल चल जाएगा? यार आज की डेट में मैं आपको ये बता दूं, हर एक 10 दिन में एक नया फोन आ जाता है, और इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं भैया, ये मत सोच के चलो कि भैया 2-3 साल चलेगा, एक ही साल चल जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन कह सकते हैं जो पहले नोकिया था ना, आजकल वैसा कुछ नहीं होने वाला है, आजकल पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन ये आप बिल्कुल भी ना सोचिए कि भैया 2-3 साल चलेगा, लेकिन ले सकते हैं, और यदि आपका मन करे तो कहीं भी एक्सचेंज कर लीजिएगा, नहीं तो OLX तो आपके पास ऑप्शन है, वहां पर भेज दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
आपको इस फोन में क्या क्या कमी लगी है। वैसे मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर मेरे को जो सबसे बड़ी कमी लगी है फास्ट चार्जिंग की, एक तो नोटिफिकेशन की, और साथ में इसका जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है उसे भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए, और भैया जो इसका कैमरा है ना वहां पर थोड़ा सा और काम करना चाहिए, और तो ज्यादा चीजें नहीं है, और ये सारी चीजें अपडेट के थ्रू सही हो सकती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और Realme मेरे हिसाब से अच्छा काम कर रहा है, और क्या पता आगे आने वाले टाइम में अच्छा काम करे। जैसे आज के वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, और अभी भी यदि आपके दिमाग में डाउट है तो भैया नीचे कमेंट करके पूछ लेना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना यार बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।